अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल और अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और भाई ऑफिस में आई हुई थी, हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि आप लोग ईद हमारे पास करें और हमारे साथ ही रहें, लेकिन अदन और अमार भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे थे कि ईद यहीं करते हैं, लेकिन आप ही कह रही हैं कि मैंने घर वापस जाना है। जान आप ही को भी छोड़ने जाना है, बाज़ार से भी कुछ सामान लाना है, वो भी लेके आएंगे। और उससे पहले अदन है, ईद हमारे पास करनी है या अपने घर जाके? यहीं करनी है ईद आपने? अम्मी जी तुसी की चाहते हो आपिस मैं ना इतने ईद करें या अपने घर? हाँ जी भाई, अम्मी जी ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया कि ईद यहीं करें, हाँ जी आपिस मैं कह रही हैं कि अदन की जो दादा और दादी हैं उनके पास जाके ईद करनी है। आप लोगों के भी कमेंट्स मुझे आए थे, तो वो आपिस मैं के चैनल पे आप जो नसरुल्लाह चैनल है उन पे आप उनकी वीडियो देख सकते हैं कि वो वहाँ चक में क्यों रहते हैं और ये शहर में क्यों रहते हैं। और वो देखे नौमी आप ही आपदा आई हुई हैं हमारे पास। और अदन इनू हटाओ, इन्हें बर्तन सारे तोड़ देने हैं। अच्छा ये नमी करनी सको? आंटी कहती है कि ऐसी उधर करनी है सारा जाट। हाँ जी बस मैं ना थोड़ा की मूड है मेरा फिलहाल तो तबीयत बहुत खराब है, मैं शुक्र कर रही हूँ घर पहुंच गई। अच्छा ते अम्मी दा वैसे मूड बनाने, अम्मी तो कह रही है कि मैं कोई कर तेन पता भी मामा तो कहनी है अम्मी आवा पीर से लेके आ तो सारे को मैं तो कहनी हूं मेरे को सारे मेरे को कट्टी हो गई गल मेनू बहुत खुशी होती है ते मैं तो कहनी हूं बेचारा तो हुन मजबूरी हो आज चक दी ला रो बसा गड्डियां दा मसला ते आपदा भी अपने घर ही करनी पैरन भी अपने घर करनी है मैरा भी अपने घर करनी है उन्होंने अपने घर करनी सारे ने अपने अपने घर बस मैं तो ला लियो चक्कर के नहीं 26वां रोज आज ते ला लियो चक्कर के ते ये तो फिर देख ला फिर हम ही असी ला लांगे चक्कर तुसी ला लियो तुसी नाले कहने हैं कि असी जाना चक नु असी चक नु की वजह तेरे पास छुट्टी दा भी तो हिसाब लाना पड़ा भाई ने छुट्टी नहीं ना मिलनी ते बड़ा इशू बिल्कुल भाई। पेट्रोल पंप वाले भाई वो छुट्टी नहीं देते, वो कहते हैं भाई उसी दिन रश ज्यादा होता है। वो भी सच्चे हैं, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि लोगों ने आना जाना होता है तो पेट्रोल तो डलवाना ही होता है ना उन्होंने। भाई एक बात और कि आप लोग कहते हैं कि आपकी दो ही बहनें नहीं भाई मेरी चार बहनें हैं, आप ही समैरा और हमैरा को तो जानते हैं। आप ही आपदा थोड़े सा नर्वस हो जाती हैं कैमरे के सामने, वो भी नहीं आती। आप ही तैरा लाहौर में होती हैं, वो वहाँ उनकी नौकरी है तो वहीं काम करती हैं, तो वो वहाँ होते हैं। वो लोग भाई आसफ़ ने आना था, आप ही तैरा भाई आसफ़ ने, लेकिन लॉकडाउन था तो उसके बाद फिर ईद पे अब मुश्किल ही लगता है कि छुट्टी मिलेगी। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, आप ही कह रही थी कि बहुत मुश्किल है, तो नहीं तो फिर ईद के बाद आएंगे, अब रश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ईद के बाद आएंगे। तो फिर नहीं हो तो सी रहना? नहीं नहीं तो पक्का डिसाइड कर लिया? हाँ, चलो, अच्छा फिर छड़ के आइए थानू। अदन आपका क्या मूड है बेटा आप बताओ, हमारे साथ ईद करने का मूड है या दादा और दादी के साथ ईद करने का मूड है आपका बताओ? अदन बताओ नानी के घर ईद करनी है या दादे के पास? नानी के पास। भाई नानी जीत गई। असल में ना अदन यहाँ ना, एक तो अदन यहाँ चाय बहुत ज़्यादा पीती है, फ्रेश दूध होता है ताज़ा, उसकी ये इतनी चाय पीती है और ऊपर से इसी अचार मिल जाता है जो इसका फेवरेट है। अभी भी कह रही थी कि मम्मा घर अचार लेके जाना है, घर अचार लेके जाना है, बहुत ज़्यादा अचार खाती है ये। ते बिल्कुल जी, अदन नु अदन ना गोश्त पसंद है, कोई चीज़ नहीं पसंद, बस अचार होवे ते एक पराठा होवे ते चाह होवे बस, ते अदन होवे अचार नु तो इतना खांदी है ना जी बेटा। वो तलाश में ले रहा है और उसे पता है बाबू के इधर तकिए के नीचे ना कोई चीज होता। हाँ जी भाई, असल में ना मैं बच्चों के लिए जो भी टॉफी वगैरह लेके आता हूँ ना, वो मैं यहाँ वहाँ सामने रख देता हूँ उधर, तो उसे पता है कि ये यहाँ से मामू निकाल के देते हैं। वो देखिए अब रो रहे हैं कि यहाँ से कोई चीज निकाल के दें। की लेना है? जी
क्या है यहाँ, मामू ने क्या छुपाया हुआ है? क्या चाहिए बेटे को? हाँ जी, पीछे निकाले इधर से। ये मसाला ही, मसाला ही। हेलो, चलो आ जाओ फिर, चलिए। उमर, आपका क्या मूड है, यहाँ रहना है या दादा के पास जाके ईद करनी है? बच्चों ने सच्ची रूम की क्या से क्या हालत बना दी हुई है। तो अच्छा भाई, अब आप ही को छोड़ के आता हूँ मैं शहर उनके घर। तो आप ही कह रही थी कि मैं रक्षे पे चली जाऊँगी, मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ आता हूँ आपको, बच्चे भी हैं साथ में। तो फिर अब जाते हैं, छोड़ के आते हैं आप ही को। कुछ सामान लेना वहाँ से, वो भी लेके आते हैं। मैंने कपड़े सिलाई करवाने के लिए दिए हुए थे, वो भी पता नहीं वो सिलाई होते हैं या नहीं। दो तीन दिन पहले गया था, वो कह रहे थे कि भाई अभी सिलाई नहीं हुए, तो आज उनसे जाके कहूँगा भाई वो सिलाई करके दें। पैसे कितने लाए? नहीं देते सन। अच्छा, क्या खाना मेरे बेटे ने? कौन सी चीज खानी है? सेब खाने हैं या केले? क्या खाना है बेटे ने? टॉफियां खानी है बस। ये तो 10 रुपए च भुगतने का बंदा है। नौमी, आपने क्या लेना है? सेब खाना, केले खाने, की खाना मेरे बेटे ने, की गंडेरियां खानी है। अपना खर्चा भी थोड़ा। सच्ची मैं अपने रूम की सफाई करनी है। अच्छा भाई, तो अब हम लोग जाने लगे। हाँ जी, चलें भाई। अम्मी देख लो, अम्मी तो बस दिल नहीं करन दिया थानू भेजन। नहीं बस तेरा भाई दी रोटी दा मसला है, तां ही ते अम्मी ने भेजे नहीं, तां अम्मी ने कदी भी नहीं सी जान देना। मैं आना बेटा, चीज लेके आना। ओए हिबा, इधर आ हिबा, इधर आ पास में, इधर। वाला बच्चे मिल रहे हैं मुझे, और फूफो जा रही है, ठीक है ना? फिर आप लोग फूफो के पारी करो, फूफो को पारी करो, फूफो को पारी करो। हम लोग जा रहे हैं, आप लोग आएंगे हमारे पास क्या? चलो आप आइए, जमीन लेके लेके ना होगा। ये देखें भाई, गुड बाय, गुड बाय के आंटी, गुड बाय। वाह भी वाह, आदन और हिबा को देखें। चलें भाई, ये दूध की बोतल और ये कुछ कपड़े दिए हैं और ये कुछ प्याज ईद के लिए ना, मतलब अम्मी जी ने बोला था कि ईद पे ना, ईद आने वाली है, तो पता नहीं बाज़ार से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप ये ले जाइएगा। आप इस मेरा ना वहाँ से घर से बैठ के नहीं आई बाइक पे, क्योंकि यहाँ से गुजर के जाना ना थोड़ा आप ही को डर लगता है कि खाल में पानी भी था, तो इस वजह से। वो देखें सामने बच्चे भी जा रहे हैं, आप ही भी। ये देखें भाई, अभी घर पहुँचे हैं, ये अंदर नहीं दाखिल हुआ था, उमर साहब दुकान पे चले गए। इधर दिखाओ क्या खा रहे हो आप, ये देखें पॉपकॉर्न। और अदन, आप अदन ने आते ही, अदन ने भी बस यही काम किया है उमर को देखते हुए। अदन, ये तो बताने दी निस्बत है ना, क्या पढ़ रही हो आप? चलो सुनाओ फिर। खालिक है मालिक मेरे, क्या कहने तेरे कुदर के, दिन की हर शय तेरी है, जो कुछ भी है तेरा ही है, रिजक मुझे तू ही देता है, तू ही मेरा ही पला है, दूर तू ही करता है, तो तेरे कब्जे में है सब कुछ, बिन तेरे कोई नहीं, मेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरा। वाह भी वाह, वाह भी वाह। साथ साथ में अदन खा भी रही है कि कहीं ना वो छूट ना जाए। अभी भाई घर पहुँचे हैं हम लोग, और अब मैं जाने लगा हूँ बाज़ार, बाकी बाज़ार से कुछ सामान लेना है वो लेके चलता हूँ घर, क्योंकि धूप हो जाएगी। अभी 11 बजे हैं दिन के, सुबह की, तो अब फिर घर चलता हूँ मैं, बाकी बाज़ार जाके देखते हैं। कपड़े सिलाई करवाने दिए हुए हैं, उनका भी पूछना है। अदन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
ये आपने बेड की हालत देखो क्या कर दिया गंदे बच्चों आते ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अच्छा अपनी मम्मा ते पापा ने क्यों कि असी ईद वाले दिन नानी दे घर जाना, ठीक है बोलोगे? उमर तुसी बोलोगे? हाँ ठीक है, चलो हूँ मैं चली आ, अपना ख्याल रखियो। ये वाले दो कपड़ों के जोड़े मेरे हैं, ये वाले, ये तीन हो गए भाई अली के, ये वाले, ठीक है, और ये दो जोड़े कपड़ों के मेरे हैं जो मैंने सिलाई करवाए हैं। मैंने बैन लगवाया है ये वाला, और भाई अली ने काला लगवाया, ये फ़र्क है बस। अब इसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या बना है क्या नहीं बना। बस ज़्यादातर बैन का मसला आ जाता है कि कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, बाकी तो सारा ठीक ही होता है निज़ाम। बस इसी में मुझे थोड़ा सा डाउट है कहीं ये छोटा बड़ा ना हो, बाकी तो ठीक ही होंगे। और भाई फिर बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने हैं कि भाई इनकी सिलाई क्या दी है आपने, तो भाई मैंने 500 रुपया सिलाई दी है इस कपड़ों की, ठीक है। भाई अली ने डबल सिलाई करवाए हैं, डबल सिलाई जो होती है वो, उसके 600 रुपीस दिए हैं एक जोड़े का, तो मेरे जो कपड़े हैं ये 500। ये काम तो कर दिया भाई ने गलत, ये वाला। पहन के देखता हूँ क्या बना क्या नहीं बना। अच्छा भाई बाजू मुझे पसंद नहीं आए इसके, जो भाई ने बाजू लगा के दिए हैं। जिस दिन मैं शहर गया इंशाल्लाह मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर कि मैंने कौन सी चीज़ें बोली थी, आपने कौन सी चीज़ें लगा दी हैं। आप पहन के देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अच्छा भाई तकरीबन गुजारा मुजारा सही है, अम्मी जी को भी पसंद आए हैं, आपकी आपदा को भी सिलाई के हुए कपड़े बस ठीक लगे हैं। तो मुझे थोड़ा फ़र्क लगा, एक तो बैन में बैन मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा है, एक मैंने और बैन बोला था भाई ने और लगा दिया। मैं जो बैन लगवाता हूँ पसंद करता हूँ मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आगे से ये इस तरह गुलाई की हुई है ना, मुझे ये वाले नहीं पसंद, मुझे कट वाले पसंद है। ये देखें इस तरह, मुझे ये वाला बैन ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला जो इस तरह कट होता है ना, मैं ये बैन लगवाता हूँ ज़्यादा। तो भाई से आज मैंने बोला था कि मैंने, तो फिर आज मैं भाई से बोल के आया था कि भाई दूसरे आप बैन लगा के दिया करें कट वाला। तो चलें भाई इसी के साथ अब हमें भी इजाज़त दें, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, अब कोई नहाता हूँ सोता हूँ फिर नमाज भी पढ़नी है। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दें, कल मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।